आरसीबी बनेगी मुंबई की टीम। आप क्या कर रहे हो? बढ़ाने से आप मुकाबले नहीं जीतोगे यार। बिल्कुल वो वही करती थी आरसीबी। आरसीबी टूर्नामेंट में से अच्छा कर रही है। और आरसीबी के पास तो खाली बॉलिंग है ना, दो बॉलर है, तीन बैटर है, उसके दम पर वो इतना अच्छा कर रही है। मुंबई के पास बैटिंग ऐसी बैटिंग है जो अपने दिन पे भाई किसी को बना सकते। बिल्कुल बैटिंग भी हो पाई उससे। कम से कम रोहित शर्मा के पास ये बोझ तो नहीं है कि मैं आउट हो गया तो नीचे कौन करेगा। विराट कोहली के तो चलो मैं मान सकता हूँ, ये दबाव रहता होगा कि मैं आउट हो गया तो नीचे कौन करेगा भाई। पिछले साल आपने देखा था हैदराबाद के अगेंस्ट मैच फिनिश नहीं कर पाए थे, वहां पर भी इस टूर्नामेंट में मैच फिनिश नहीं कर पाए। बिल्कुल इनकी बैटिंग में देखो ना, गिरी मैं पता क्या करूं, तीन नंबर पर आप ब्रेविस को उतारो। हाँ जी, तीन नंबर पर आप ब्रेविस को दो। मैं नहीं, मेरे को नहीं पता आप कैमरन ग्रीन को बाहर कर रहे हो कि टिम डेविड को बाहर कर रहे हो। ग्रीन ने आपको एक मैच दे दिया लेकिन पिटी रहा है आपको। ग्रीन ने एक मैच हराया ना, तो दो मैच हराए भी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ब्रूक ने भी, ब्रूक का तो चलो 100 भी आया है। ग्रीन आपको ना थोड़ा सा वो लगता है कि फंस ही रहे हैं वो, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो। वो भाई सिर्फ बल्ला ऐसा लगता है, सिर्फ बल्ला पारी आई। अरे भाई तुम स्काई पे तीन खेला लो, एक पारी आई भाई, तीन खेलेगा और चार पे ब्रेविस खेलेगा। और भाई सीधी सी बात है, तीन पे ब्रेविस को उतार दे यार। अगर आपके कप्तान और आपके ईशान किशन चार ओवर शुरुआत के ले लेंगे, दस रन भी नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा दोस्तों। पता है क्या है, ये दोनों आपको मोमेंटम तो नहीं दे पाते। रोहित शर्मा का बल्ला जिस दिन चल गया उस दिन अलग बात है, लेकिन वो अभी भरोसा ही नहीं है आपको। ड्रेवर ब्रेविस जब भी आएगा आपको मोमेंटम देकर जाएगा वो आपको। अजिंक्य आप देखोगे, हमें अजिंक्य रहाणे की मिसाल देनी पड़ रही है यहाँ पे। ये कमाया है उस खिलाड़ी ने कि आप ये बोल रहे हो कि ब्रेविस अगर ऊपर जाए जो भी हो रहा हो, मोस्टली आपका ईशान किशन और रोहित शर्मा आपको, वो आपको रन नहीं देकर जा रहे हैं। 60 टॉप बैट्समैन खिला रहे टी ट्वेंटी फॉर्मेट में, अगर आपके पास बोलिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं जीत सकते। अरमान सिंह कूनर जी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा स्ट्रगलिंग एज अ बैटर प्लस कैप्टन सिंस ही बिकेम इंडियन क्रिकेट टीम्स कैप्टन। सही बात है। सैल्यूट टू विराट फॉर हैंडलिंग एवरी फॉर्मेट प्लस आईपीएल फॉर इयर्स मोस्टली एट हिज पीक। वीके बिल्कुल गोल्ड नहीं, इसमें देखो दो तीन चीजें हैं। इसमें ये भी है कि आपको आप विराट को भी उस तरीके से चीजों में आपने आईपीएल में, क्योंकि वो भी कुछ नहीं जीत पाए, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हैंडल नहीं करा। उनका तरीका वही था जिस तरीके से उन्होंने हैंडल करा, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ठीक है उनकी कप्तानी बड़ी जबरदस्ती। भाई उनकी कप्तानी में भी आरसीबी में फ्लॉज आपने देखे। आज अंशुभेंदु जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आरसीबी वही तो है जो कभी भी अपने गेंदबाजों पर भरोसा जिसने किया ही नहीं, जिसने हमेशा अपनी टीम को बदला है। तो ऐसा नहीं है कि विराट, ठीक है आप वो बात सही कह सकते हो कि विराट की कप्तानी उसी तरीके से थी और वैसी ही रही, लेकिन ये नहीं है कि विराट की कप्तानी वहां पर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गई। रोहित की कप्तानी में क्योंकि आपने एक डिक्लाइन देखा है, आपने ये देखा है कि सब कुछ था और आज कुछ भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। ना बैटिंग नजर आ रही है, ना टीम का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उस तरीके से नजर आ रही है, ना सिलेक्शन नजर आ रहा है, ना ऑक्शन स्ट्रेटजी नजर आ रही है। अरे भैया आप इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट होंगे ना तो ऐसे ही होता है हाल। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट सब जॉफ्रे आर्चर को खरीद के खुश थे ना, आप भी बहुत खुश थे। इस सीजन में 8 करोड़ में डील आ गई, जॉफ्रे आर्चर कहां जाएगा? आप ही थे पिछले सीजन कह रहे थे चलो इस सीजन निकल गए अगले सीजन देखना बुमराह आर्चर, लेकिन शुभेंदु भाई कह रहे थे हम सबके लिए पूरी जिंदगी में भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में।